गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। खुशबू 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग कुछ बच्चों जैसा था। चल मेरी घोड़ी टुम्बकटू, कहाँ का दूल्हा कहाँ की तू। अरे खुशबू, तू यहाँ खेल रही है, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तू इस उम्र में भी खिलौनों से ही खेलती है, तो फिर तेरी शादी नहीं हो पाएगी। चल फटाफट तैयार हो जा और लड़के वालों के सामने अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। लड़के वाले खुशबू की सुंदरता देखकर उसे पसंद कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि खुशबू इतनी बड़ी होकर भी खिलौनों से खेलती है। खुशबू जब अपनी ससुराल पहुंचती है तो वो बैग में भरकर सारे खिलौने भी लेकर आती है। एक रात जब खुशबू के पति हिमांशु की रात में आँख खुली तो उसने देखा कि खुशबू खिलौना कार से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, चाहे कोई लगा ले रेस। खुशबू ये क्या कर रही हो? मुझे अपने खिलौनों से प्यार है। हिमांशु उस रात तो खुशबू के खिलौने से खेलने की आदत पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसने देखा कि खुशबू रोजाना ही खिलौनों से खेल रही है तो एक रात वो खुशबू पर चिल्लाने लगा। ये क्या पागलपन है, तुम कोई बालक हो जो खिलौनों से खेलती हो? हिमांशु की माँ भी कमरे में आ जाती है। बेटा, इसने और इसकी माँ ने हमें धोखा दिया है, ये लड़की पागल है, दिन में भी मैं इसे खिलौनों के साथ ही खेलते देखती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर दिमाग कम है, ये खिलौने मेरे पिताजी ने दिलवाए थे, मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी, ये खिलौने उनकी अंतिम निशानी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे खिलौनों से खेलने वाली बहू। हिमांशु और हिमांशु की माँ खुशबू को रात में ही घर से बाहर निकाल देते हैं। ले पकड़ अपना सामान और खिलौने, अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। खुशबू बेचारी रोती हुई अपनी माँ के घर पहुँचती है। खुशबू की माँ बीमार थी और खटिया पर पड़ी हुई थी। अरे बेटी, तू इतनी रात में? मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ। तू चिंता मत कर बेटी। खुशबू की माँ को जोर जोर से खांसी आने लगती है और वो दम तोड़ देती है। खुशबू की माँ ने खुशबू की शादी में ही सब कुछ खर्च कर दिया था, इसीलिए उनके घर ना पैसे थे ना खाने को खाना। माँ, माँ नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, अब मैं जीकर क्या करूं? खुशबू अपने सारे खिलौने लेकर एक सूखे हुए कुएं में आत्महत्या करने के उद्देश्य से कूद जाती है, लेकिन कुएं में एक राक्षसनी उसकी कैच पकड़कर उसे बचा लेती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं एक अच्छी राक्षसनी हूँ, तुम्हारी तरह और भी कई किस्मत के मारों ने इस कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने उन्हें बचाया, अब तुम बताओ तुम क्यों मरना चाहती हो? खुशबू राक्षसनी को अपनी पूरी कहानी बताती है। मैं तुम्हारे माता पिता को जिंदा तो नहीं कर सकती,
लेकिन बेटी मैं तुझे एक बेहतर जीवन दे सकती हूँ। तुझे खिलौनों से प्यार है ना, ये ले जादुई चाबी। ये चाबी तू जिस भी खिलौने में लगाकर घुमा देगी, वो खिलौना असलियत की चीज में बदल जाएगा। लेकिन मन में लालच मत लाना, जिन चीजों की जरूरत हो उन्हें ही चाबी लगाना। राक्षस ने खुशबू को कुएं से बाहर छोड़कर चली जाती है। खुशबू घोड़े के खिलौने में चाबी डालकर घुमाती है, खिलौना असलियत का घोड़ा बन जाता है। खुशबू घोड़े पर बैठकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर वो अपने गुड्डे में चाबी भर देती है। गुड्डा एक असलियत का जवान लड़का बन जाता है। खुशबू उससे शादी कर लेती है। रहने को घर है और जीवन साथी भी है, अब सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया चाहिए। खुशबू अपने पति के साथ कुछ दिन खेतों में मजदूरी करती है। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक खिलौनों की दुकान खोल लेती है। वो और उसका पति दुकान चलाने लगते हैं। उसका जीवन सुख से कट रहा था। उधर एक दिन खुशबू के पड़ोस में रहने वाली जमुना हिमांशु के घर पहुंची। तुमने अपनी जिस बहू को घर से बाहर निकाला था उसे एक जादुई चाबी मिल गई है, जिससे किसी भी खिलौने की वस्तु को असलियत का बनाया जा सकता है। तुम्हारी बहू के घर मैंने टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ आइटम देखे। भला पूरे गांव में ये आइटम किसके घर होंगे? हिमांशु सोचता है कि अगर वो चाबी किसी तरह उसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। एक रात हिमांशु खुशबू के घर की छत पर चढ़ जाता है। वो खपरेल हटाकर खुशबू के घर में घुसता है और चाबी चुरा लेता है। हिमांशु बाजार जाकर एक बड़ा सा खिलौना, घर और एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीद लाता है। अब आएगा मजा, इस खिलौना घर से मिलेगा मुझे एक बहुत बड़ा घर और यह सुंदर गुड़िया बनेगी एक बहुत सुंदर स्त्री जिससे मैं विवाह करूँगा। हिमांशु जैसे ही खिलौना घर को बड़ा करने के लिए उसमें चाबी लगाता है, खिलौना घर तो बड़ा ही नहीं होता लेकिन उसका अपना घर खिलौने जैसा छोटा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर हिमांशु गुड़िया में चाबी लगाता है। गुड़िया असलियत की सुंदर स्त्री नहीं बनती लेकिन उसकी माँ छोटी हो जाती है। अरे अम्मा! बेटा ये हमारे लालच का फल है, जाकर खुशबू की चाबी वापस कर दे और उससे माफी मांग। हिमांशु खुशबू के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तब उसकी माँ और घर दोबारा ठीक हो पाते हैं। 15 साल की जमूरी अपने माता पिता के साथ परमारपुर गांव में रहती थी। जमूरी के पिता जैसे ही ड्यूटी से लौटते वो उनकी साइकिल छीन लेती और गांव में घूमने निकल पड़ती। अरे जमूरी कहाँ जा रही है? कहीं नहीं पिताजी, बस गांव का चक्कर लगा कर आती हूँ। जमूरी अपनी शैतानियों के लिए पूरे गांव में फेमस थी। जब वो साइकिल से गांव का चक्कर लगाने निकलती तो बहुत लोगों को परेशान करती। अरे मेरे बाल कौन ले गया जमूरी? हरी चार चार तकलू है। हाय राम, मेरी मटकी फोड़ दी, आज तेरे बाप से शिकायत करूंगी। आज मैंने 12वां मटका फोड़ा।
उसमें मेरा नया सलवार सूट है। निकल ले, ये सूट तो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। जमूरी जब घर पहुंचती तो उसके घर शिकायत करने वालों की भीड़ लगी होती। राम प्रताप, जमूरी से इसी समय मेरे बाल दिलवाओ। उसने मेरा मटका फोड़ दिया, मटके के पैसे दो। चाची, इसने मेरा सूट छीन लिया, सूट दिलवाओ उससे। तुम लोग कितने बेशर्म हो, बिन बुलाए मेहमानों की तरह मेरे घर चले आते हो। जाओ ले लो अपना अपना सामान। लड़की, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान करती है? गांव के लोग तुझे बुरी बुरी बददुआएं देकर जाते हैं। अपनी शरारतें करना छोड़ दे बेटा। अरे माँ, तुम तो बहुत डरपोक हो, दुआओं बददुआओं से कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में एक बहुत पहुँचे हुए साधु आते हैं। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। साधु बाबा रोज सुबह नदी के तट पर स्नान करके 2 घंटे तपस्या किया करते थे। तपस्या करते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। साधु बाबा को देखकर जमूरी को शरारत सूझती है। एक सुबह जब साधु बाबा तपस्या कर रहे थे तो जमूरी उनके पास जाकर जोर से उनकी दाढ़ी खींच देती है और हंसने लगती है। साधु बाबा को भयानक गुस्सा आ जाता है। ए मूर्ख लड़की, तूने मेरी दाढ़ी खींचकर मेरा मजाक उड़ाया। जा, जैसे जैसे तू बड़ी होगी तेरी दाढ़ी आ जाएगी और फिर पूरी दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी। साधु बाबा जमूरी को श्राप देकर चले जाते हैं। जमूरी जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी दाढ़ी जमने लगी। अगर जमूरी मशीन से दाढ़ी साफ करती तो कुछ दिनों बाद और भयंकर दाढ़ी आ जाती। जमूरी कहीं भी जाती उसे मुंह पर रूमाल बांधकर जाना पड़ता, वरना लोग उस पर हंसते। एक दिन जब जमूरी बाजार में सब्जियां खरीद रही थी तो 2 लड़कियां उसके पास आती हैं और उसके मुंह से रूमाल हटा देती हैं। क्योरी, दाढ़ी वाली जमूरी, ये मुंह छुपाकर क्यों घूम रही है? पहले तो हमें बहुत परेशान किया करती थी, अब तेरा रुमाल नहीं मिलेगा, चल निकल ले यहाँ से। लड़कियाँ जमूरी का रुमाल लेकर चली जाती हैं। जमूरी जब घर की तरफ लौट रही थी तो गांव के लोग जमूरी पर खूब हंसते हैं। सिर और घुटवाले जमूरिया, फिर तू कटप्पा की तरह दिखेगी। अरे ओ दाढ़ी वाली, अब तेरी शादी तो होगी नहीं, चल मुझसे ही शादी कर ले। जमूरी घर पहुंचकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं उस साधु बाबा को ढूंढने जा रही हूँ जिसने मुझे ये श्राप दिया था। बेटी, 7 साल बीत चुके हैं, अब तू उन्हें कहाँ ढूंढेगी? चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। जमूरी साधु को ढूंढने निकल पड़ती है। जमूरी पड़ोस के गांव में साधु के बारे में पूछती है। लोग उसे बताते हैं कि साधु अयोध्या गए हुए हैं। जब जमूरी अयोध्या पहुंचती है तो पता लगता है कि साधु दिल्ली पहुंच चुके हैं। जमूरी ट्रेन से दिल्ली पहुंचती है लेकिन साधु उसे वहां भी नहीं मिलते। लोग उसे बताते हैं कि साधु
राजस्थान के किसी गांव में गए हुए हैं। जमूरी के पास पैसे खत्म हो चुके थे और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। जमूरी पैदल यात्रा करती हुई राजस्थान की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते वो राजस्थान के एक गांव में पहुंच जाती है और भूख और प्यास व गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़ती है। गांव का एक लड़का उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। माँ, ये देखो, एक लड़की जिसकी दाढ़ी है। लड़का जमूरी के ऊपर पानी के छींटे मारता है, तब उसे होश आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? मैं एक साधु की तलाश में हूँ जिन्होंने मुझे 7 साल पहले श्राप दिया था। बेटी, वो साधु बाबा तो अभी कुछ दिन पहले ही इसी गांव में मर गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी दाढ़ी कभी खत्म नहीं होगी। बेटी, तुझे रोने की जरूरत नहीं। साधु बाबा ने गांव में तेरी चर्चा की थी। उन्हें अफसोस था कि क्रोधवश उन्होंने एक लड़की को जीवन भर के लिए श्राप दे दिया। वे अपना कमंडल छोड़कर गए हैं, जिसके जल से तू श्राप मुक्त हो जाएगी। औरत गांव के मंदिर से साधु का कमंडल लेकर आती है और जमूरी पर कमंडल के जल के छींटे मारती है, जिससे जमूरी की दाढ़ी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बेटी, तू तो बहुत ही सुंदर है, मेरे बेटे से ब्याह करेगी? मेरा सौभाग्य होगा। जमूरी ब्याह करती है और अपने गांव जाकर अपने माता पिता से मिलती है। जमूरी के माता पिता जमूरी को श्राप मुक्त हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं।